अपूर्ण खेती, अपूर्ण ज्ञान, सुख समृद्धि और समाधान। खेती बाड़ी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ सुनने वाले तमाम कुमाऊँनी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। और श्रोताओं, जैसा कि आज एक विशेष चर्चा होने जा रही है और आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जैसा समय है आजकल खेती बाड़ी में लहसुन लगाने का, तो लहसुन लगाने का इस समय सबसे बढ़िया और बेहतरीन समय है। तो आप लोग लहसुन अगर लगाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया सी जानकारी आज लेके आए हैं। और जानकारी के विषय में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस चर्चा में गिरधर शर्मा जी टेरी से। तो शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज आपका कुमाऊँ वाणी में। नमस्कार सभी किसान भाइयों को और श्रोताओं को, मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का इस चर्चा में। लहसुन के बारे में है कि यहाँ पे उत्तरांचल में किसान परंपरागत तरीके से लगाते हैं और इसे घर के उपयोग में बहुत ऐसे नहीं लगाया जाता, लेकिन खाने के हिसाब से हर आदमी के हर खेत में किचन में लगता है। और लेकिन इसके स्वाद अच्छा है, खाने में टेस्टी है, आपकी सब्जी अच्छी बनेगी, लेकिन बाजार भाव को देखते हुए इसकी वहाँ पर उपयोगिता कम हो जाती है, क्योंकि इसको छीलने में इंडस्ट्रीज में उद्योगों में लेबर ज़्यादा लगती है, समय ज़्यादा लगता है और वेस्टेज ज़्यादा होती है। तो इसके लिए ये एक करनाल द्वारा विकसित एग्रीफाउंड पार्वती प्रजाति है, जिसको हमने पिछले विगत पाँच वर्षों से ट्रायल के रूप में इसको हमने ये पाया कि इसकी उपज बहुत अच्छी है, इसका प्रोडक्शन अच्छा है और इससे किसानों को अच्छी बचत हो रही है। तो हमारा प्रयास ये है कि इस फसल को अगर हम किसान व्यावसायिक रूप में लगाना चाहता है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में लगाए और इसको अच्छे से विपणन करे और शुद्ध मुनाफा इसका ज़्यादा कमाए। जी देखिए, मैं इसे पिछले 5 साल से इसका प्रोग्राम चला रहा हूँ। अभी हमारे पास में लहसुन इस एग्रीफाउंड पार्वती बड़ी पोथी वाला, कुछ लोग चाइनीज बोलते हैं, बड़ी साइज का होता है। इसमें 9 से 12 के बीच में इसके पीसेस होते हैं। अगर हम एक लहसुन को तोड़ के हम लगाते हैं खेत में तो वो 9 लहसुन में बदलता है, यानी कि 1 का 10 गुना से 9 गुने से लेकर के 13 गुने के बीच में उसका 13 पौधे बनेंगे, एक पीस के 13 पौधे बनते हैं। अगर हम इसी तरह 1 किलो लगाते हैं तो उसके 9 किलो होगा, 10 किलो होगा। अगर किसान उसमें मेहनत करता है, उसके साइज को और बढ़ाता है खाद पानी दे करके, तो ये हमने पाया है कि किसानों के हमारे से जो उत्पादन आया उसमें हमने ये पाया है कि ये हमारा 9 गुने से लेकर के 17 गुने तक इसकी उपज किसान प्राप्त कर सकते हैं। आपने बताया कि जो लहसुन है वो केवल घर के उपयोग के लिए किया जाता था, लेकिन व्यवसाय के तौर पे इसको नहीं देखा गया, लेकिन आज कहीं ना कहीं बाजार में इसकी मांग है और कई व्यवसाय के रूप में इसको किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए या मिट्टी की जो चुनाव करना है, किस तरीके की होनी चाहिए मिट्टी, लगाते समय कुछ ऐसी रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता जो किसान भाई अधिक लाभ कमा सकें जिस प्रक्रिया से? हम रासायनिक उर्वरकों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, इसलिए हमारी गोबरी खाद जितनी हम आलू में डालते हैं, जितनी हम गोभी में डालते हैं नॉर्मल तरीके से, उतनी अगर हम इसमें भी डाल देंगे तो ये इसका उपज हमारी अच्छी हो जाती है। देखने वाली बात यह है कि इसे समय समय जो पानी की आवश्यकता होती है अगर वो पूरी नहीं हो पा रही है या किसान के पास पानी की समस्या है तो वहाँ पर इसकी उत्पादन बहुत ही ज़्यादा रूप से कम हो जाता है, इसके उत्पादन वहाँ नहीं मिल पाते जहाँ पे किसान के पास में सुरक्षित पानी ना हो। इसे फरवरी मार्च में एक पानी की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है, वो पानी तो इसको अच्छे से देना ही होता है, लेकिन हमें फ़ायदा ये भी होता है, इसको हमें लगाने का टाइम हमारा अभी सितंबर से आ गया है और ये पकने का टाइम इसका अप्रैल मार्च तक आता है, अप्रैल मई में आता है। तो जब हमारे आलू को पानी की आवश्यकता होती है उससे पहले इसके पानी की रिक्वायरमेंट हमारी हो जाती है। तो और ये इसके पूरे पीरियड के बीच में किसान कोई भी मुख्य फसल नहीं लगाता है तो उस पर जितना ही पानी है वो सारा उसका ध्येय जो एक ही फसल होती है लहसुन होती है, तो लहसुन वो आराम से वो गुड़ाई निराई करके पानी दे करके इसे अच्छे से पाल लेता है। और इसकी जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो पैसा मिलता है वो से उस समय तब मिलता है जब किसान के पास और कहीं किसी सोर्स से किसी भी माध्यम से पैसा खेती में नहीं आता है। ये लहसुन की फसल बहुत लंबी फसल मानी जाती है, 8 से 9 महीने तक की, इसमें कुछ ऐसी भी है क्या, कुछ अगेती या पछेती किस्में जो जल्दी तैयार हो? नहीं देखिए, ये मुख्य रूप से तो ये हमारे प्लेन की फसल है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हम पहाड़ पे इसे यूज कर रहे हैं और हम कर रहे हैं रवि सीजन में जाड़ों में, तो इसका जो टेम्परेचर हम पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जिससे इसकी फसल को पकने में हमारा टाइम लगता है। हम लगा भी देते हैं उसके बाद में किसान अन्य कार्य में व्यस्त हो जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, 6 महीने से तक वो फसल चलती है। लेकिन अगर हम इसे इसकी हम इकोनॉमिक्स की बात करें, आय व्यय संतुलन की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अगर हमने बीज लिया, जो टेरी अभी आपको 70 रुपये किलो में बीज उपलब्ध करा रही है, अगर वो एक नाली खेत में लगाना चाहता है तो कम 10-15 किलो उसे बीज चाहिए, तो आपका जो 1000 रुपये के लगभग का बीज हो गया। और प्रति नाली में जो लागत खेत तैयार करने से लेकर के और उखाड़ने तक सुखाने तक भी लागत आती है 1200 से 1500 रुपये के मध्य आती है। अगर हम 1500 रुपये की खेत की तैयारी और 1000 रुपये की लागत मानते हैं तो 2500 रुपये की हमारी लागत आ गई प्रति नाली।
लेकिन वो 15 किलो लहसुन अगर हम उत्पादित ठीक से करते हैं, 1.5 क्विंटल लहसुन हो जाता है, तो वो 40 रुपये प्रति किलो जो हम अभी परचेज खरीद करने के लिए सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, जो एक हम MS मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम दे रहे हैं 40 रुपये, उसके हिसाब से कि अगर वो बेच लेता है किसान, तो उसका 6,000 रुपये का लहसुन हो गया, हमारी लागत आ रही है 2,500 रुपये, तो हमारी जो शुद्ध बचत है 3,500 रुपये प्रति नाली 6 महीने के हिसाब से। और यहाँ पे देखा गया जनरली किसान एक प्रति नाली से 1200 से 1500 रुपये तक शुद्ध मुनाफा पूरे साल भर में कमाते हैं। मैं साथ में ये भी कहना, जैसा आपका विचार था कि ये 6-7 महीने की फसल है, बहुत ज़्यादा लंबे समय की फसल है, और इसमें किसान इतने लंबे समय तक खेत को रोक के रखता है, तो इसमें मैं एक थोड़ा सा जोड़ना ये भी चाहूँगा, अगर किसान बरसात इस समय वाली मटर की फसल लगाते हैं, तो इसके साथ में भी इसको इंटरक्रॉप किया जा सकता है, यानी कि एक लाइन मटर की एक लाइन लहसुन की लगा देते हैं, तो 70 से 90 दिन के बीच में हमारी मटर तैयार हो जाती है, तो एक तोड़ दो तोड़ हमें लहसुन की मिल जाती हैं, वो मटर की मिल जाती हैं, हम मटर से जो आय मिलती है उसके बाद में ये लहसुन आगे चलता है, तो लहसुन के पकने के साथ साथ अगर हमारी गोभी की नर्सरी भी तैयार है, तो हम उसी खेत में हम गोभी को भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और जब लहसुन हम उखाड़ेंगे तो उसी गुड़ाई में गोभी की भी गुड़ाई हो जाती है, और उसके साथ में लगातार हम एक तरह से क्रमवार खेती करते हुए प्रति नाली से हम ज़्यादा मुनाफा और कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें ज़्यादा फैलने वाली फसलें जैसे धनिया बिल्कुल ना लगाएं। लहसुन को लगाने का उपयुक्त समय हमारा 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य में रहता है, लेकिन अगर हमें अच्छी उपज चाहिए तो उसके लिए हम जितना जल्दी लगा दें उतना हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक रहता है। ठीक है। तो सर, जैसे आपने कहा कि मटर के साथ इसको लगा सकते हैं, और जैसे हमारे क्षेत्र में बागवानी भी होती है, तो क्या इसको बगीचे के बीच में या ऐसे कहीं भी लगाया जा सकता है क्या? अगर हम 10 साल से छोटा बगीचा है तो हम इसमें बहुत अच्छे से इसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें खाद की मात्रा को उतनी ही रखनी पड़ेगी। जैसे अगर आप ये माने कि 2 रोटी मेरे को खानी है, 2 रोटी आपको खानी है, और हम प्लेट में 2 ही रोटी रख दें, तो हमारे से एक एक रोटी आएगी, इसलिए जो हमारे फलों की जो खाद है वो फलों को में दी जाए, इसकी खाद इसी के साथ दी जाए, इसको दोनों को जोड़ा ना जाए, दोनों को जोड़ के डबल करके दिया जाए, तो मेरे ख्याल है कि इसमें हम फलों की 10 साल से कम उम्र के बगीचों में भी इसकी फसल अच्छे से ले सकते हैं। कितनी इसकी निराई गुड़ाई की जाए पूरी फसल के दौरान, और साथ में कुछ ऐसी जो रासायनिक दवाएं गुड़ाई के समय, या कुछ स्प्रे जिससे कि कुछ फंगस ऐसी लगने की संभावना रहे, तो इस संदर्भ में जरा हमारे श्रोताओं को थोड़ा जानकारी दे दीजिए। कि हम लहसुन के जो दुराई रखते हैं 15 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति, और पौधे से पौधे की 10 सेंटीमीटर की दूरी, जिससे हमारी कुटली अच्छे से चल जाए और गुड़ाई करते समय वो लहसुन हमारा न कटे। एक तो हमें वो ध्यान रखना है, अगर जिसमें हमारी चोट लगेगी पौधे में तो वो फसल पौधा हमारा सड़ जाएगा, इस तरह से एक तो वो नुकसान होता है, उसे हमें दूरी को हमें निश्चित रूप से इतनी तो मेंटेन करनी ही चाहिए। और रही बात है दवाओं की, दवाओं में इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी इस क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में नहीं देखी गई है, लेकिन अगर हम सल्फर का स्प्रे कर दें, एक दो से स्प्रे कर दें, तो इसकी उपज में बहुत ज़्यादा बढ़ावा आ जाती है, और इसको हम ज़्यादा लंबे समय तक रख भी सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मामवानी से जुड़े और तमाम हमारे श्रोताओं को लहसुन लगाने के संदर्भ में बढ़िया जानकारियां दी। तो लौटेंगे एक नई जानकारी के साथ श्रोताओं खेती बाड़ी में दोबारा से, तो तब तक दीजिए गिरधर शर्मा जी को और मुझे इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। अपुण खेती, अपुण ज्ञान, सुख समृद्धि और समाधान। खेती बाड़ी।